हे गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग लकी फैमिली भुंतर। कैसे हो आप सब? बहुत ही प्यार से बुआ जी ने ये पिनिया बनाई है और बहुत टेस्टी है गाइज। ये जो हम पंजाब मैरिज में गए थे, ये वहाँ भाजी कहते हैं इसे, पंजाबियों में सबको पता है कि भाजी होती है ये, इसे आफ्टर मैरिज होममेड है ये, आफ्टर मैरिज इसे सबको बांटते हैं, सबको इसे देते हैं, घर में बनाई होती है हलवाई लगा के। तो ये है मट्ठी, पंजाब की मठिया नहीं है ये, सॉरी मंडी की मठिया नहीं है ये, पंजाब की मठिया है, मेरी मठी मैं हूँ आपकी मठी और ये है शक्कर पारे। अच्छा, पारी तो नहीं मैं आपको कर सकता ना, पारे जरूर खिला दिखा सकता हूँ। ये है गुड़ वाले पारे। यस, ये है गुड़ वाले पारे, इनकी शक्ल कुछ और है। बूंदी 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 बदाना नहीं है, बूंदी है ये, होममेड है सारा, ये हलवाई okay. करते हैं तो बहुत टेस्टी होती है, शादियों में जैसे कोई भी आता है उनको बांटते हैं सबको। और ये पंजीरी, ये ऊपर मम्मी पापा ने बनाई थी तो वहाँ से ले आए हम, हमने ही बना के दी थी उनको, तो वो ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी पीते हैं हम चाय, फिर चलते हैं हम अपने किचन गार्डनिंग की ओर, तो दिखाते हैं आपको हम काम करने वाले, बस ओके मिलते हैं बाहर। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमने गोबर लाया है और हम अभी गोबर डालने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने ब्लॉग बनाया था उसमें हमने बीज बोए थे, तो अभी हम ये जो अनियन है, अनियन में मैं गोबर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लाइन वार लगाए हुए हैं। और जो सारा हमने पालक सब कुछ जो भी हमने लास्ट टाइम ब्लॉग में आपको बताया था वो सब हमने इसमें बीजा है, तो उसमें हम सारा ये गोबर डाल रहे हैं। तो अपने लिए जो वेजिटेबल रहेगी वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेगी, उसमें कोई हम खाद ऐड करने वाले नहीं हैं, ओनली गोबर, और कोई केमिकल में उसमें यूज़ होगा, ओनली गोबर। इसलिए जो खुद के लिए वेजिटेबल हम लेंगे तो वो हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेगी। ये था हमारा आज का ब्लॉग।